ओके हेलो एवरीवन, आज हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ये क्वेश्चन रिलेटेड है ट्रिगोनोमेट्री से, ट्रिगोनोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन क्लास 10 के लिए रहेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, हम आज वो सीखेंगे। चलिए देखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का, जो 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसे देखा जाए। तो हम लोग सबसे पहले कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब क्वेश्चन लिखेंगे, प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री -3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि कॉसेक 45 डिग्री कितना होता है, तो उसे वैल्यू लिखने के लिए वहाँ पर जगह रख दिया जाए। उसके बाद 10 45 डिग्री के लिए जगह रख दिया गया, नेक्स्ट साइन 90 डिग्री के लिए जगह रख दिया गया, और बाकी अपना अपना अपने अपने जगह पर कोफिशियंट और पावर को लिख दिया गया। सो कॉसेक 45 इज √2, 10 45 इज 1, साइन 90 इज 1। सो अल्टीमेटली जब आप इसे स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे मिलने वाला है 2 एंड देन 1 देन -3। सो द फाइनल रिजल्ट विल बी लाइक 2 + 1 इज 3 एंड देन 3 - 3 गिव्स 0। तो ये है प्रोसेस और कैसे सॉल्व करना, ये हमने सीख लिया। अभी इसी तरीके से अगर बाकी भी क्वेश्चन अगर ट्राई करते हैं, इस बार मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री मीन्स 1/2। कॉस 30 डिग्री √3/2, माइनस साइन 60 डिग्री √3/2, देन इंटू साइन 30 डिग्री मीन्स 1/2। तो ये बन जाएगा √3/4 -√3/4। सो फाइनली ये हो गया 0। अब ये थर्ड क्वेश्चन को एक बार ट्राई किया जाए। इट इज 10 60 डिग्री मीन्स √3 -1/√3, नेक्स्ट 1 + √3 इंटू 1/√3। सो फाइनली ये √3 √3 कैंसिल हो गया और हमें यहाँ पे मिलने वाला है √3 -1/√3/2 बिकॉज ऑफ 1 + 1। तो इसे मैं अगर साइड में सॉल्व कर दूँ, ये कुछ ऐसा होने वाला है आफ्टर एलसीएम। यहाँ √3, 3 - 1/2, एंड देन ये √3 नीचे आ जाएगा, अल्टीमेटली 2√3 देन 2, 2 कैंसिल, 1/√3। सो दिस इज हाउ वी शुड सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस। और हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन है, मैं इस बार क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्रीन चेंज किया है। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री -cos 45 डिग्री। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के लिए वही साइन 45 डिग्री का वैल्यू लिखा जाएगा 1/√2 माइनस अगेन 1/√2। सो द रिजल्ट इज 0। तो इसी के साथ आज का इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप किया जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन और भी सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इन केस अगर क्लास 10 के स्टूडेंट्स अगर है या फिर प्रिपेयर करना है ऐसे क्वेश्चंस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ मैं। अलग अलग टाइप का अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएगा विथ मॉक टेस्ट एंड ऑल। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।